उत्तम कौन है और अधम कौन, कौन महाकाव्यों के नायक बनने के योग्य है और कौन इतिहास के पृष्ठों में किसी एक छंद के एक वाक्य में सीमित करने योग्य। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जिनके आगे इतिहासकार श्रद्धा से द ग्रेट अर्थात महान लगाते, जैसे फारस के साइरस, मंगोलिया के चंगेज खान, मैसिडोनिया के सिकंदर, और यदि भारत की बात करें तो मुगल वंश के अकबर और मौर्य वंश के अशोक। कहते हैं कि इतिहास विजेता द्वारा लिखा जाता है, यह शत प्रतिशत सत्य है। परंतु यह भी सत्य है कि किसी देश का इतिहास वहां के राजनैतिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। 1947 के बाद का भारत वीरों की भारत भूमि नहीं बल्कि नेहरू का भीरू इंडिया था, जहां युद्ध, योद्धाओं और आयुधों तक को हेय दृष्टि से देखा जाता था। नेहरू स्वभाव से युद्ध विरोधी थे और यही कारण है कि कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन नेहरू की राजनीति से पूर्णतया मेल खाता था। इस कारण से भारत की नीतियां भी युद्ध विरोधी अशोक की नीतियों से मेल खाती थी। अब अशोक कितना महान था, क्या सच में कलिंग युद्ध के उपरांत उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, क्या कलिंग के पश्चात उसने कोई अन्य युद्ध नहीं किया था, यह तो किसी अन्य अंक का विषय है। परंतु शांति प्रियता के इस महिमा मंडन में एक वीर वैदिक सभ्यता को पुनर्जागृत करने वाला एक ब्राह्मण नरेश इतिहासकारों द्वारा विस्मृत कर दिया गया। उस वीर का नाम था पुष्यमित्र शुंग। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और अपने वचन के अनुसार मैं उपस्थित हूं अनटोल्ड हिस्ट्री के दूसरे पर्व के साथ। और आज मैं बात करूंगा पुष्यमित्र शुंग की। 300 ईसा पूर्व नंद वंश का काल था। भारत की राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात आज का पटना विलासिता के चरमोत्कर्ष पर था। राजा थे धनानंद, जिनके पतन की सौगंध आचार्य चाणक्य ने ले रखी थी। चंद्रगुप्त नामक एक विलक्षण बालक को खोजकर उसे राजनीति और अन्य विद्याओं में निष्णात कर चाणक्य ने नंद वंश के सूर्य को अस्त कर दिया और आधारशिला रखी गई महान मौर्य साम्राज्य की। चाणक्य के आदेशों का पालन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सीमाओं का और विस्तार किया। चंद्रगुप्त के पश्चात बिंदुसार और बिंदुसार के पश्चात अशोक के हाथों में सत्ता आई। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि अशोक अपने शासन के अंतकाल में युद्ध विरोधी बन गया था। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, उसने राजकोष का एक बड़ा भाग भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आवंटित कर दिया। अशोक की इन्हीं नीतियों का अनुपालन मौर्य वंश के आगे के राजाओं अर्थात दशरथ, संप्रति, शलिशुक, देववर्मन, शतधनवन और बृहद्रथ ने भी किया। बृहद्रथ के आते आते मौर्य वंश अपने वैभव का दसवां भाग भी नहीं रह गया था। सेना हतोत्साहित और विलास भोगी हो चुकी थी। सैकड़ों छोटे बड़े राज्यों ने स्वयं को मौर्यों से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इस निराशा का बीज अशोक काल में ही बोया गया था, जब राजा राजपाट छोड़ बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए। बौद्ध धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, वहीं वैदिक पद्धति युद्ध को शांति और अनुशासन के लिए अनिवार्य मानती है। बृहद्रथ स्वभाव से विलासी, शौर्यहीन और निस्तेज पुरुष था, जिसके राज्य में वैदिक धर्म विनाश की ओर अग्रसर थी। कभी आदित्य हृदय स्त्रोतम से दिन शुरू करने वाला मगध साम्राज्य संस्कृति विहीन होता जा रहा था। गंगा के सुरम्य घाट तो अब भी थे, परंतु घाट के किनारे स्नान करने वाले साधु न थे। आश्रमों की जगह बौद्ध मठों ने ले ली थी। सीमा पर यूनानियों का खतरा बढ़ता जा रहा था और इन सब से दूर क्रोध से दांत भींचता हुआ एक युवक अपने खड्ग को थामे बैठा था। जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय इस युवक का नाम था पुष्यमित्र शुंग और वह बृहद्रथ की सेना का सेना नायक था।
उसे भली भांति ज्ञात था कि मगध की गरिमा मलिन हो चुकी है। राजा के हाथ में राजदंड नहीं वरन शांति की श्वेत पताका है और सेनानियों के शरीर युद्ध के अभाव में कोमल हो चुके हैं। राजधानी यवन गुप्तचरों से भरी पड़ी है और सीमा पर यवन क्षुधाक्रांत श्रृंगालों के सदृश तत्पर बैठे हैं। ऐसे में पुष्यमित्र को एक सूचना मिली कि कुछ बौद्ध मठ यवन गुप्तचरों एवं योद्धाओं की शरण स्थली बन गए। सिंध प्रांत यवनों के हाथों रौंदा जा चुका था। ऐसे में क्रोध से लाल हुए पुष्यमित्र ने राजा बृहद्रथ से राष्ट्र विरोधी शक्तियों और घुसपैठी यवनों का वध करने की अनुमति मांगी। शांति के कल्पना लोक में विचरण करने वाले तेजहीन बृहद्रथ ने अनुमति नहीं दी और सब कुछ काल पर छोड़ दिया। बौद्ध मठों पर आक्रमण करने का साहस भी वह नहीं कर सकता था। ऐसे में राजाज्ञा की अवहेलना करते हुए पुष्यमित्र सेना की एक टुकड़ी लेकर मठों पर टूट पड़े। सूचना सही निकली। 300 यवन घुसपैठियों का शिरच्छेद किया गया और बौद्ध मठाधीशों को बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। बृहद्रथ देशद्रोहियों के बंदी बनने पर किंचित भी प्रसन्न नहीं था। इसके इतर वह पुष्यमित्र पर ही क्रुद्ध हो उठा और राजाज्ञा की अवहेलना करने के दंड स्वरूप उसे सेनाध्यक्ष के पद से तत्काल निष्कासित कर दिया। पुष्यमित्र के मस्तिष्क में राजनिष्ठा और राष्ट्रनिष्ठा के बीच द्वंद होने लगा और राष्ट्रनिष्ठा राजनिष्ठा पर भारी पड़ी। पुष्यमित्र ने भारी सभा में बृहद्रथ को कठोर शब्द सुनाए जिससे आक्रांत होकर शांतिदूत बृहद्रथ अपनी तलवार लेकर पुष्यमित्र पर टूट पड़ा। सिंह और मेमने के युद्ध का परिणाम पूर्व निर्धारित होता है। कुछ ही क्षणों में पुष्यमित्र का खड्ग राजशोणित से सना था और बृहद्रथ का निष्प्राण शरीर भूमि पर पड़ा था। राज्य में शुंग नामक एक नया सूर्य उगा था और चाणक्य व चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य समाप्त हो चुका था। पुष्यमित्र ने राजा का पद ग्रहण किया और दशकों से करदाताओं की राशि से हो रहे बौद्ध धर्म के प्रचार पर तत्क्षण रोक लगाई। पुष्यमित्र जनेऊधारी वेद पाठी ब्राह्मण थे और अब वे राजा भी थे। लुप्त प्राय सी हो चली वैदिक संस्कृति में मानो एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। मंदिरों का जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ, साधुओं का स्नान पुनः प्रारंभ हुआ, अग्निहोत्र के होम से वायु सुरभिमान हुई और पुष्यमित्र ने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ भी किए। भगवान कृष्ण द्वारा प्रतिपादित युद्धाय कृत निश्चय के संकल्प के साथ सेना के अंदर योद्धा भाव का भी पुनर्जागरण हुआ। जिन राज्यों ने मगध से विद्रोह किया था उन्हें पुनः नियंत्रित किया गया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय था पुष्यमित्र का विदर्भ अभियान। नए राजा के स्वभाव और सेना के नए रूप को देखकर यवनों के हाथ पांव फूल गए और पुष्यमित्र के जीवित रहने तक एक दो छिटपुट लड़ाइयों को छोड़कर बैक्ट्रिया के लड़ाकों ने गंगा के मैदानों की ओर कभी दृष्टिपात तक नहीं किया। पुष्यमित्र के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र राजा बने, जिन्होंने यवनों को कई बार युद्ध भूमि में धूल चटाई। वसुमित्र शुंग वंश के अंतिम राजा थे। कुल मिलाकर शुंग वंश का राज 112 वर्षों तक निर्बाध रूप से चला। अब जिज्ञासु श्रोताओं के मन में एक प्रश्न तो अवश्य कौंध रहा होगा, क्या पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी थे? इसका सीधा और सटीक उत्तर है कदापि नहीं, परंतु अधिकतर बौद्ध ग्रंथों की माने तो पुष्यमित्र से बड़ा दुराचारी कोई था ही नहीं। पुष्यमित्र तीन नीतियों के विरुद्ध थे। पहला, राजकोष जो करदाताओं के श्रम से अर्जित धन से भरी थी उसका उपयोग एक धर्म मात्र के प्रचार में हो रहा था जो सर्वथा अनुचित था। दूसरा, कुछ बौद्ध मठ और मठाधीश यवनों के साथ मिल गए थे जो राजद्रोह का सीधा साधा उदाहरण था, परंतु राजा बृहद्रथ निश्चिंत था। और तीसरा, स्वयं काल जितना पुरातन सत्य सनातन धर्म और वैदिक सभ्यता का निरंतर पतन हो रहा था। पुष्यमित्र ने इन तीनों नीतियों को समाप्त करने का सोचा जो कहीं से भी बौद्ध विरोधी नहीं है। बौद्ध इतिहासकार और ग्रंथ पुष्यमित्र पर उनके स्तूप और मंदिर तोड़ने का आरोप लगाते हैं, परंतु तथ्यों की कसौटी पर यह दावे मिथ्या ही सिद्ध होते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भरहुत स्तूप बौद्ध निर्माण शैली का अद्भुत उदाहरण है। यह पुष्यमित्र शुंग के कालखंड में ही बना, जिसकी पुष्टि स्वयं स्तूप पर अंकित अभिलेख करते हैं। सांची स्तूप के बारे में कौन नहीं जानता, उसका सुंदर आलंब पुष्यमित्र शुंग के कालखंड में ही बना।
ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म से नहीं वरन बौद्ध धर्म के राजकीय प्रचार और सनातन धर्म के पतन से आहत थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी देश का इतिहास वहां के राजनैतिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। 1947 के बाद का भारत वीरों की भारत भूमि नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू का भीरू इंडिया था, जहां युद्ध, योद्धाओं और आयुधों तक को हेय दृष्टि से देखा जाता था। नेहरू विचार से समाजवादी थे और मार्क्सिज्म से भी अत्यंत प्रभावित थे। ऐसे में एक ब्राह्मण योद्धा जिसने एक शांत प्रिय राजा का वध किया, अल्पसंख्यक समुदाय के राजकीय धर्म प्रचार पर रोक लगाई और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, वह नेहरू के सेक्युलर इंडिया में कहीं से फिट नहीं बैठता था। इसलिए पुष्यमित्र को सदा के लिए भारतीय इतिहास से निष्कासित कर दिया गया। मुगल वंश 235 वर्षों तक चला और कभी भी निर्बाध नहीं चला। बहादुर शाह जफर के आते आते मुगल वंश लाल किले तक सिमट कर रह गया था, परंतु भारतवर्ष का इतिहास मुगल वंश के महिमा मंडन से भरा पड़ा है। वही शुंग वंश का राज 112 वर्षों तक निर्बाध रूप से चला, अर्थात मुगलों की तुलना में आधा। तो इतिहास में मुगलों की तुलना में आधे लेख तो कम से कम शुंग वंश पर भी होने चाहिए थे। पर शुंग वंश और उसके संस्थापक ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग पर एक पंक्ति भी विरले ही मिलती। पर अब न नेहरू हैं, न उनके समाजवाद के खोखले सिद्धांत। आशा करता हूं कि इस अंक को देखने के बाद राजा पुष्यमित्र शुंग की कथा में भारतवासियों का उत्साह अवश्य बढ़ेगा। यह थी कहानी धर्म की अग्नि प्रज्वलित करने वाले एक महान योद्धा की, राष्ट्र निष्ठा को राजनिष्ठा से ऊपर रखने वाले एक महान देशभक्त की, सेनाओं को पुनर्जागृत करने वाले एक महान सेनानायक की, और इतिहासकारों द्वारा इतिहास से ही निष्कासित कर दिए गए एक अत्यंत कुशल सम्राट की। ऐसी ही अन्य कहानियां लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ। परंतु जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना, आप देख सकते हैं कि मैंने चटक भगवा रंग की यह टी शर्ट धारण कर रखी है जिस पर लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। अगर आप ये अथवा कोई अन्य परिधान प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। इससे धर्म का संदेश पूरे भारतवर्ष में फैलेगा और साथ ही हमें मिलेगी वेबसाइट और वीडियो चैनल चलाने के लिए आर्थिक सहायता। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।